खरगोन जिले में लंबे समय बाद फिर आरटीओ और यातायात विभाग अमले ने सड़क पर बिना परमिट फिटनेस के दौड़ रही यात्री बसों की सूद लेना शुरू की है। गुरुवार को राजस्व आरटीओ और यातायात विभाग के संयुक्त अमले ने खंडवा रोड पर यात्री बसों की चेकिंग शुरू की। एसडीएम मिलिंद ढोके ने बताया कि चेकिंग के दौरान मनावर से व्याह खरगोन होकर खंडवा जा रही एक यात्री बस की चेकिंग के दौरान चालक न तो परमिट दिखा सका न फिटनेस, बिना दस्तावेज वाहन संचालन कर बस को जब्त किया गया है। आगे प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के आधार पर कार्यवाही होगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये तो वस्तु भ्रमण पे सामान्य चेकिंग की गई, ये MP 10P 0424 नंबर वाली गाड़ी चेक करने में, इसके बाद परमिट वगैरह कुछ नहीं पाया गया, फिटनेस भी ये नहीं दिखा पाया, तो अभी इसलिए इसको जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। आगे इसके क्या कागज प्रस्तुत करता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। कहाँ जा रहे थे सर ये बस? ये खंडवा जा रही थी। और भी गाड़ियाँ बगैर फिटनेस? हाँ, लगातार अभी इसकी चेकिंग हो गई, और जो बगैर फिटनेस की गाड़ियाँ हैं, बगैर परमिट या बगैर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की, सब पे कार्रवाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।